मैं 17 साल का था जब मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना था। मैं उस टाइम एक जर्नलिस्ट होता था, एक सुबह को द न्यूज़ कंपनी। मुझे एक लड़का मिला था जो कनाडा से आया था उस टाइम। ही वॉज अ बिजनेस एंकर, उसे मस्त कनेडियन एक्सेंट था उसका। हम मिले थे ऑफिस के जिम्स, नहीं होते जैसे यहाँ पे मेंबरशिप होती है, वहाँ पर मिले थे। बात बात हुई थी उस समय, इतना खुल के तो बात होती नहीं थी। वी नेवर सेड हमारा एक दूसरे का ओरिएंटेशन क्या थी, इंटेंशन क्या थी, पर हमारी दोस्ती हो गई। बहुत क्यूट था। आई रिमेम्बर मैं उसके घर गया था एक बार, जहाँ पर बातों बातों में वो ऐसे मोमेंट्स नहीं होते जहाँ एक दूसरे को थोड़ा सा छुआ, एक दूसरे की थाई से टच कर दिया, मेरा हाथ मैंने उसके घुटने पर रख दिया, कुछ 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 करके एक सिलसिला शुरू हुआ। एंड आई डिड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली। मैंने उसकी फैमिली के साथ बहुत सारे हॉलीडेज किए, बहुत मज़े किए, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट रिलेशनशिप। मैं डैड को मैंने बताया था अपने बारे में, आई थिंक मैं 18-19 साल का था। यू नो शामक डावर, ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही रिमेन्स टू बी अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे एक्चुअली हमने जब डैड को बताया था, शामक और मैंने साथ में बताया था। एंड आई नो यू कीप सीइंग पापा तोमू टुडे एंड यू सी हिज रिएक्शंस, ऐसा लगता है बड़े कूल डैड हैं, बट आई वॉन्ट मेक इट क्लियर कि ऐसा नहीं है कि इट वॉज़ वेरी ईजी। ऑफकोर्स मेरे डैड ने ऐसा कुछ बहुत बवाल नहीं क्रिएट किया था, बट इवन आज तक भी वो मुझे पुश करते हैं, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, एंड मैंने वही डज दैट, आई हैव टू पुश बैक एंड हैव टू से डैड इज गॉट नथिंग टू डू विद यू। पर आई थिंक ये मेरा जो ये जो सेंटिमेंट है मेरा, ये उस समय भी था और आज भी है, जहाँ मेरे को जनरली अंदरूनी आवाज़ जो निकलती थी जब मेरे को डैड बोलते थे कि उनको लड़की से शादी करनी है, लाइक डैड दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। इसमें अच्छी बात ये थी क्योंकि मेरा सेंटिमेंट खुद इतना स्ट्रांग था, मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ना मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, ना मुझे ऐसा कभी लगा कि वॉट आई एम डूइंग इज समथिंग विच आई नीड टू फाइट, बिकॉज आई वाज लाइक हे आई लव अ बॉय एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एंड इवन माय फादर बियॉन्ड द पॉइंट माय ब्रेन सेड भाई इसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। एंड आई थिंक दैट कैरीड फॉरवर्ड। ओके टुडे ऑफ कोर्स डैड इज वेरी कूल, ही इज वेरी एनकरेजिंग, ही इज वेरी हैप्पी, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आज आप देखते हो ऐसा हमेशा से नहीं रहता है। इवन अभी भी अगर मैं डैड को बोलूँ मैं शादी करूँ, बड़े खुश हो जाएंगे। सो आई हैव टू कीप पुशिंग बैक। एट स्टड मफिन हम इंडिया की पहली एक LGBTQ फ्रेंडली ब्रांड बन चुके हैं। यू नो आई आई वांट टू शो यू समथिंग। ओके मुझे इतने सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे तुमने ये जो झंडा डाला है लव इज लव का, क्यों डाला है? मार्केटिंग के हिसाब से काफ़ी ब्रांड सेक्सुअलिटी से दूर होना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि क्योंकि कितने सारे होमोफोब्स हैं कंट्री में, इस झंडे की वजह से इतने सारे लोग बोलेंगे यार ये तो गे ब्रांड है, ऐसा है वैसा है, तुम्हारा मार्केट कम हो जाएगा। एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड। क्या जरूरत थी हमको ये डालने के लिए? टुडे वी फील लाइक हम एक इस मुकाम पर हैं जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम खुल के बात कर सकते हैं। मेरा जो लुधियाना का बॉयफ्रेंड है जो आप जानते हैं, जिसको मैं मिला था, आई वॉन्ट टेल यू कि उसने अपने फैमिली को अपने बारे में बता दिया मेरे बॉम्बे आने के बाद। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन स्टोरी, मैं आपको पूरी डिटेल अच्छे से बताऊंगा वही बात। बट आई वॉन्ट टेल यू समथिंग अबाउट द फैक्ट दैट हम जो एक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑफिस में, वी वॉन्ट मेक श्योर इट्स एन LGBTQ फ्रेंडली एनवायरमेंट। पंजाब में वेयर वी पीपल थिंक जो सबसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है वो पंजाब में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स अ परसेप्शन। When we hire anyone, obviously we don't ask them कि आप ये हैं bisexual हैं, that's got nothing to do with it. ऐसा भी नहीं है कि लोग, मैंने मुझे काफ़ी बोलते हैं कि आप प्लीज़ गे लोगों को हायर कीजिए, बिल्कुल नहीं। We hire people because they are talented and they are hardworking. अगर हम गे लोगों को हायर करेंगे over a straight person when they come for an interview, वो भी डिस्क्रिमिनेशन है, भले ही वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, दैट विल नेवर हैपन। हम किसी को भी हायर करेंगे इट्स नेवर ऑन अ कोटा, इट्स बिकॉज दे आर ब्लडी गुड एट देयर जॉब, राइट? But if any of our teammates, employees, colleagues ever says, you know, that hey, I'm also interested in men or whatever their sexuality is, orientation is, जैसे मैं खुल के बात करता हूँ, I know that my employees always know in our office and staff, everyone knows कि बात खुल के हो सकती है। A lot of you keep asking me questions about how to come out to your parents. A lot of you keep asking me about how you can be living open, and I will make videos on that because I think it's so important to have this dialogue openly and honestly, because काफी कम लोग हैं जो आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि ये जो मेरा जो लुधियाना का बॉयफ्रेंड है, मैंने उसको कैसे बताया कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए अपने बारे में। एंड आई एम गोइंग गिव यू दैट स्टेप बाय स्टेप वेरी सून। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट द फैक्ट दैट एट starmuffin.com एज अ थैंक यू हम आपको एक स्टोर वाइड डिस्काउंट दे रहे हैं सिर्फ आज के लिए। अब ये डिस्काउंट्स कम होते जाएंगे। आज आपको 20% ऑफ मिल रहा है, क्रिसमस तक हर दिन ये 20, 19, 18, 17, 16 कम होता रहेगा। टुडे द आपका डिस्काउंट कोड इज #loveislove, चेकआउट पर यूज़ कर लीजिएगा, आपको 20% ऑफ मिलेगा। Whether you're gay, straight, bi, the fact that you're going to type that is going to do something to your brain, right? And I want you to feel that, and I want you to believe the fact that love is love. Choti si cheez hai from our side, with love from us to you. Big Pucci.